30,000 वाले फोन में हमें प्रोसेसर मिल रहा है 15,000 वाले फोन का। भाई ये महान काम तो वीवो ही कर सकता है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे Vivo T2 Pro स्मार्टफोन को Vivo V29 E स्मार्टफोन के साथ में, और यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो आपको बता दो कि दोनों फोन्स के अंदर हमें 6.78 इंचेस की फुल HD प्लस कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहां पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें AMOLED पैनल मिल रहा है। भाई अच्छी बात है, एकदम वाली कंटेंट वॉचिंग आपको करवा देगा। और साथ ही दोस्तों अगर आपको कर्व डिस्प्ले के भी हिसाब से स्मार्टफोन लेना ना यार, कि देखने में लगे हाँ यार कोई प्रीमियम फोन आपने हाथ में पकड़ रखा है, तब तो आप इन दोनों में से किसी भी तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि दोनों फोन यहां पर हमें कर्व डिस्प्ले के साथ में मिल रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो दोनों फोन यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में आते हैं, जो कि फ्रंट एंड 13 पर बेस्ड है। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में तो दोनों स्मार्टफोन बढ़िया है, क्योंकि दोनों फोन हमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में मिल रहे हैं। भाई अच्छी बात है, लेकिन यार जो फ्रंट एंड 13 हमें दोनों फोन्स के अंदर मिल रहा है ना भाई, ब्लोटवेयर तो आपको मिलने ही मिलने, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और चिपसेट की अगर हम बात करें तो Vivo T2 Pro के अंदर हमें Dimensity 7200 5G चिपसेट दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ Vivo V29 E के अंदर हमें Snapdragon 695 5G चिपसेट दिया गया, जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और वैसे तो दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के मामले में यहां पर दोनों चिप बढ़िया है, लेकिन यार अगर आपको एकदम बढ़िया वाली गेमिंग करनी है ना भाई, सिर्फ और सिर्फ Vivo T2 Pro की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें Dimensity 7200 दिया गया, जो कि भाई बढ़िया चिपसेट है और बढ़िया वाली गेमिंग आपको करवा देगा। ये वाला था वो तो 25,000 रुपए का फोन है, और जो प्रोसेसर मिल रहा है 15,000 वाले फोन का मिल रहा है Snapdragon 695। ये हाल है भाई Vivo वालों के। और एंटूटो स्कोर की अगर हम बात करें तो T2 Pro का आता है 7,25,000 के करीब, वहीं दूसरी तरफ Vivo V29 E का आता है सिर्फ 4,10,000 के करीब। दोस्तों बहुत ज्यादा फर्क है दोनों फोन्स के एंटूटो स्कोर में भी। और यार अगर आप इन दोनों फोन्स में से किसी वाले को बाय करना चाहते हैं ना, तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। और अब बारी आती है बैक कैमरा सेटअप की, तो दोनों फोन्स के बैक में हमें ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे Vivo T2 Pro की, तो इस फोन का मेन कैमरा है 64 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ Vivo V29 E का मेन कैमरा है 64 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का। और आपको बता दूं दोस्तों दोनों फोन्स का जो मेन कैमरा है 64 मेगापिक्सल का, भाई बढ़िया फोटोज आपके क्लिक कर देगा, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। भाई कैमरा सैंपल्स आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख ही पा रहे हैं, क्योंकि जो डिटेलिंग्स है ना दोनों फोन्स के कैमरा सेटअप ने काफी जबरदस्त वाली क्लिक करी है। लेकिन यार अगर आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा चाहिए ना भाई, तब आप यहां पर सिर्फ और सिर्फ Vivo V29E की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिल रहा है। भी अच्छी बात है, यहां पर ये T2 Pro में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा देखे भाई काम ही मुका दिया, ये हाल है यहां। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर हम बात करें तो T2 Pro के बैक कैमरा से आप मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ Vivo V29E के बैक कैमरा से आप मैक्सिमम 1080 पिक्सल तक ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट ज्यादा चाहिए ना भाई, सिर्फ और सिर्फ T2 Pro की तरफ ही जरूर से जाइए। और वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए यहां पर दोनों स्मार्टफोन्स OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करें तो भाई उसमें तो फर्क है, क्योंकि Vivo T2 Pro के फ्रंट में हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ Vivo V29E के फ्रंट में हमें 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। वैसे तो दोस्तों दोनों फोन्स का जो फ्रंट कैमरा है ना भाई, बढ़िया फोटोज आपकी क्लिक कर देगा, लेकिन अगर आपको बिल्कुल टॉप लेवल सुपर फोटोज क्लिक करनी है ना भाई, तब आप यहां पर डेफिनेटली Vivo V29E की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इसका जो कैमरा है ना 50 मेगापिक्सल का, भाई एकदम जबरदस्त वाली फोटोज आपकी क्लिक कर देगा। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग अब दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से 1080 पिक्सल तक ही कर सकते हैं। बैटरी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो T2 Pro यहां पर 4600mAh की बैटरी के साथ में आता है, जो कि 66W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ V29E के अंदर हमें 5000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो कि 44W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। डिसीजन दोस्तों आपको लेना है कि आपको बड़ी बैटरी वाला
स्मार्टफोन लेना है या फिर ज्यादा फास्ट चार्जिंग वाला। और नेटवर्क कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो दोनों फोन से यहाँ पर 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। साथ ही दोस्तों 3.5mm जैक हमें दोनों फोन में किसी में भी नहीं दिया गया। और अगर हम बात करें स्पीकर्स की तो दोनों फोन से यहाँ पर सिर्फ सिंगल स्पीकर के ही साथ में आते हैं। और सिक्योरिटी के लिए हमें दोनों फोन के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोनों फोन की प्राइसिंग की, तो आपको बता दूं कि Vivo T2 Pro स्मार्टफोन के 8 प्लस 128GB वेरिएंट की अप्रोक्स प्राइसिंग है 24,000 पे। वहीं दूसरी तरफ Vivo V29e स्मार्टफोन के 8 प्लस 128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 27,000 पे। और दोस्तों जो प्राइसिंग है ना भाई वो ऑफर्स के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होती रहती है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और अगर मैं यहां पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भाई इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों अगर आपको बढ़िया गेमिंग के हिसाब से ओवरऑल बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए तब आप यहां पर डेफिनेटली Vivo T2 Pro की तरफ ही जरूर से जाइए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर आपको बढ़िया कैमरा के हिसाब से स्मार्टफोन चाहिए ना भाई, तब आप यहां पर सिर्फ और सिर्फ Vivo V29e की तरफ ही जरूर से जाइए। तो बस दोस्तों यही थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियंस इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए।